नागिन का वार, यामिनी की हार, दुश्मनी धारदार, अरे रॉकी ये परेड क्यों कर रहे हो? टेंशन में हूँ। टेंशन किस बात की? तुम्हें नहीं पता, बड़ी माँ नहीं मिल रही, उसी बात की टेंशन है। ओ तेरी, उनको तो मैंने टपका दिया है। क्या कुछ कहा तुमने? नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं कहा। देखो शिवांगी, मुझे तुम्हारे साथ की बहुत जरूरत है, बड़ी माँ को ढूंढने में सहारा दो। हाँ, माँ बाप के बाद यामिनी, मतलब मेरी जो बड़ी माँ है, उन्होंने ही मेरे पाल पोस के बड़ा किया था, और अब वही गायब हो गई हैं। तो रॉकी बहुत ही परेशान है, एंड ही इज वेरी अपसेट कि कोई उस, मतलब ना कोई रिपोर्ट लिखा रहा है और कुछ पता भी नहीं चल रहा है कि उनकी कोई मदद ही नहीं कर रहा है। सो आई थिंक ही इज गोइंग क्रेजी। अरे मेरे बुद्धू राम, इन्हीं हाथों से तो सफाया किया है उसका, और अभी तो ये शुरुआत है। आगे आगे देखते जाओ कौन कौन टपकने वाला है। अब कोई है ही नहीं रॉकी की मदद करने के लिए, तो आई थिंक अब वो पूरी तय तक जाएगा कि एक्चुअली हुआ क्या। आई थिंक और यही बात को लेकर शिवांगी थोड़ी अपसेट है कि अगर मुझे असलियत पता चल गई तो क्या मैं रिएक्ट करूंगा। अभी देखना, वो मेरे पिछले जन्म की मौसी भी आएगी टिकली की दुकान यामिनी को ढूंढते हुए। ये लो आ गई गौतमी के लुक में। सोच रही थी कि भेष बदल कर मुझे बेवकूफ बना देगी। मैं नागिन हूँ नागिन, कोई इंसान नहीं जो बुद्धू बन जाऊं। लेकिन नागिन मैडम, रॉकी का क्या करोगी? कहीं आप पर उन्हें शक तो नहीं? एक आदर्श पति हूं और आई डोंट सस्पेक्ट एंड आई डोंट डाउट माय वाइफ, तो मुझे पता है कि वो काम सही कर रही है, और आई थिंक सब हस्बैंड्स ऐसे ही होने चाहिए। हाँ भाई, हर एक हस्बैंड आप जैसा आदर्शवादी होना चाहिए, लेकिन हर एक हस्बैंड की वाइफ नागिन नहीं होनी चाहिए। भाई टू मच कंफ्यूजन है, नागिन घबराई हुई है, जाइए कहीं बाहर घुमाने ले जाइए, शायद आप दोनों का मूड फ्रेश हो जाए। आज अभी सोचता हूँ कि उसे बाहर लेकर जाऊँ कॉफी या वॉक, हमेशा शी इज गॉट सम प्लान या कुछ ना कुछ, किसी को मारने पे तुली होती है और प्यार आगे ही नहीं बढ़ता। प्यार आगे कैसे बढ़ेगा साहब, चारों तरफ बदले की आग जो दहक रही है। अब शेषा आई है गौतमी के लुक में ये पता लगाने कि नागमणि कहाँ है, पर शिवांगी ने भी कच्ची गोलियां थोड़ी रखेली हैं। यहाँ मानव की मौत के बाद घर में मातम है, मानव की बीवी अस्थियों को विसर्जन नहीं करने देना चाहती। नागिन शिवांगी दिलासा दे रही हैं। अब निधि को क्या पता कि उनका सुहाग उजाड़ने वाला कोई और नहीं, ये खूबसूरत बला है। खैर अभी तो दुश्मनी और बदले की चिंगारी आग का दहकता शोला बनेगी, न जाने किस किस की बलि चढ़ेगी। उसके लिए देखते रहिए नागिन सीजन 2। आज तक ब्यूरो।